हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स। अब नाम से ही पता चल रहा है हेलो हेलो टर्म्स मींस हेलोजन से बना हुआ है। हेलो टर्म्स कहां से आया? हेलोजन। हेलोजन्स मीन्स यहां पर बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेडीन को बात नहीं करेंगे क्योंकि एस्टेडीन होता है रेडियो एक्टिव और उसके कंपाउंड्स भी हाइड्रोकार्बन में बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद टर्म लगा है एल्केन एंड एरेन। एल्केन कब होगा? जब हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होगा। ओपन चेन कंपाउंड मीन्स अगर हमारा ओपन चेन इस तरह से कंपाउंड मिलेगा इसको बोलेंगे एल्केन्स। अगर रिंग जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है एरेन की, वो है बेंजीन। और बेंजीन के पास एक यहां से हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इन हाइड्रोजन में से किसी एक या दो हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां से हाइड्रोजन ने हटाया, क्लोरीन लगाया। किसी भी मेथड से हम यहां से हटा करके और कोई हेलोजन, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई एटम यहां पर रिप्लेस कर दिया जाए तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हेलो एरेन्स। अगर एरोमेटिक है तो एलिफैटिक है तो इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन्स। अगर यहां पर ओपन चेन है, इसमें ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन है यहां पे, इन हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन को हटा करके यहां से अगर हम क्लोरीन जोड़ दिया जाए, यहां हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ दें, इस कंपाउंड को बोलेंगे हेलो एल्केन्स। ये बना आपका हेलो एल्केन और ये बना आपका हेलो एरेन। अब यहां पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स दोनों की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम मीन्स एज द नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन देन द नेम विल बी चेंज। सपोज CH3CH2CH2Cl, वन क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, देन दिस इज नोन एज मोनो हेलो एल्केन। दिस इज नोन एज मोनो हेलो एल्केन। सिमिलरली इफ टू क्लोरीन एटम प्रेजेंट देन दिस इज नोन एज डाई हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इफ थ्री क्लोरीन और थ्री हेलोजन एटम प्रेजेंट लाइक दिस दिस इज नोन एज ट्राई हेलो एल्केन।
अब यहां भी क्लोरीन एटम के ज्वाइंट होने के ऊपर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर यहां क्लोरीन एक ही एटम पे हो, मींस बोथ क्लोरीन ज्वाइंट एट सेम कार्बन एटम, देन डाइलेट फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज इफ बोथ क्लोरीन प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन देन दिस इज नोन एज डाइलेट। अब जेम डाइलेट इफ प्रेजेंट इन एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स वीक डाइलेट, दिस इज नोन एज वीक डाइलेट एंड दिस इज नोन एज जेम डाइलेट। इफ थ्री क्लोरीन एटम देन ट्राई हेलो एल्केन्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम। इनकेस ऑफ अरेंज, सपोज वी टेक ए बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग वन क्लोरीन हियर, मोनो क्लोरो बेंजीन, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरेंज। मोनो हेलो एरेंज अगर दो क्लोरीन यहां पे अटैच किया जाए, इसको बोलेंगे डाई हेलो एरेंज। तीन क्लोरीन अटैच करेंगे तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरेंज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अगर क्लासिफाई किया जाए, यहां पे दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। इसके sp3 मीन्स अगर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक और बेंजाइलिक। एल्किल हेलाइड मीन्स यहां फिक्स हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे हमेशा sp3 होना चाहिए, मीन्स सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। अब यहां पे CH3 CH2 Cl, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है sp3, ये खुद क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। अब इसको फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन प्राइमरी, दिस इज नोन एज प्राइमरी एल्किल लाइड 1 डिग्री और प्राइमरी एल्किल हेलाइड। सपोज दिस क्लोरीन ज्वाइंट विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट दिस इज सेकेंडरी बिकॉज टू वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विद अदर कार्बन एटम। इस कार्बन की दो और वैलेंसी हैं, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन जुड़ी है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी
कार्बन ये होगा सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड 2 डिग्री और 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इनकेस CH3। अब यहां पे क्लोरीन अगर ऐसे कार्बन से ज्वाइंट है जो है sp3 तो हो, sp3 कंपल्सरी है, sp3 हो, लेकिन ये जुड़ा किससे 3 डिग्री कार्बन मीन्स इसकी और बाकी जो 3 वैलेंसी हैं वो भी टर्सरी कार्बन से जुड़े होंगे इसलिए इसको बोलेंगे टर्सरी 3 डिग्री और टर्सरी एल्किल हैलाइड। इस तरह से ये एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी ऑफ रिएक्शंस कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। एलाइलिक हैलाइड मीन्स कार्बन ज्वाइंट विद डबल बॉन्ड बट हाइड्रोजन ज्वाइंट टू दैट कार्बन फिजिस sp3 हाइब्रिडाइज एटम। देयरफॉर दिस इज नोन एज एलाइलिक। याद देखिए क्लोरीन किससे जुड़ा, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद अपने आप में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक। लेकिन sp3 तो है लेकिन इसके एडजेसेंट में क्या है, डबल बॉन्ड लगा है तो ये ओपन चेन का ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, डबल बॉन्ड भी है। यानी डबल बॉन्ड से मतलब है ये जो हाइब्रिडाइज है ये होगा आपका यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के एडजेसेंट में sp2 आ जाए तो इसको बोलेंगे एलाइलिक। सिमिलरली अगर sp2 रिंग में आ जाए इस तरह से एक रिंग और ये बेंजीन रिंग यहां जुड़ा है एक कार्बन और ये फिर कार्बन जुड़ा है क्लोरीन से इसके साथ, ये तो sp3 हो गया लेकिन ये sp2 हो गया, ये कार्बन एटम sp2 हो गया। sp3 के बाद एडजेसेंट में इसके sp2 आ रहा है लेकिन ये जो कार्बन चेन है वो बेंजीन जैसी है, बेंजीन है इसलिए इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड क्योंकि ये बेंजीन रिंग है और ये ओपन चेन है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। sp3 के बाद यहां भी sp2 आना है और यहां sp3, यहां जो कार्बन है ये sp3 और ये sp2, तो sp3 के बाद sp2 आना है तो ये बेंजाइलिक हो सकता है या एलाइलिक हो सकता है। दूसरे तरह का जो क्लासिफिकेशन है sp2, अगर ऐसी कार्बन की बात की जाए जो क्लोरीन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है लेकिन वो खुद क्या है sp2 हाइब्रिडाइज एटम है, इसलिए यहां पर इस sp2 हाइब्रिडाइज एटम होने के कारण ये दो कैटेगरी में फिर आ जाएगा विनाइलिक हैलाइड।
विनाइलिक हैलाइड मीन्स हाइड्रोजन ज्वाइन टू दैट कार्बन एटम विच इज ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज, देन दिस इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़े हैं तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ऐसे भी हो सकता है रिंग भी बन जाए, लेकिन ये खुद से जुड़ा किससे? ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखा रहा है? sp2। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। दूसरा है एरिल हैलाइड। मीन्स अगर हम बेंजीन रिंग लेके चलते हैं, यहां पर बेंजीन रिंग ये भी कार्बन sp2 है, लेकिन ये पूरी की पूरी रिंग एक एरोमेटिक रूल को फॉलो कर रहा है, हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, जिसके कारण ये एरोमेटिक है, इसलिए इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। ये आपका बोला जाएगा एरिल हैलाइड। यहां भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां भी है, sp2 यहां भी है, लेकिन इसको बोलेंगे एरिल और इसको बोलेंगे विनाइलिक। ये बेंजीन रिंग है इसलिए इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड, इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। जैसे जैसे इसमें चेंजेस आएंगे उसके बेस पर इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि हैलोजन हैलोजेंस क्यों बढ़ते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास हैं जो यूज किए जाते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, तो पोलर सॉल्वेंट वाटर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन नॉन पोलर मीन्स जिसमें पोलरिटी नहीं है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव होते हुए भी ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मीन्स द सब्सटेंस विच किल द इंसेक्ट, इंसेक्ट को किल करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। यहाँ पे बेंजीन से बेंजीन लेकर के बेंजीन में अगर जितने भी आए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड को क्लोरीन से जोड़ दिया जाए यानी क्लोरीनेशन करा दिया जाए, ये सभी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के क्लोरीन अटैच हो जाएगा और इसका नाम होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको दूसरे नाम से लिंडेन भी जानते हैं और कॉमनली इसको गैमेक्सीन भी जानते हैं। गैमेक्सीन क्या होता है? इसमें गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं गामा HCH, गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इसका यूज होता है हार्मोन्स, और हमारे बॉडी में हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन का यूज होता है, थायरोक्सिन जो ग्वाइटर के लिए रिस्पांसिबल होता है, अगर आयोडीन की कमी होती है थायरोक्सिन का बढ़ना कम हो जाता है जिसके कारण ग्वाइटर डिजीज आ जाती है। इसलिए जितने भी डेरिवेटिव्स हैं और जितने भी डेरिवेटिव्स यहाँ पर हैलोजन के हैं उनका अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये मलेरिया की मेडिसिन है जिसमें क्लोरो डेरिवेटिव है, ये क्लोरीन डेराइव किया गया, इसमें क्लोरीन अटैच किया है,
तो इस तरह से मलेरिया के मेडिसिन जो आजकल कोरोना के लिए यूज किया जा रहा है, कोरोना वायरस के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल यहां भी क्लोरीन होते हैं, लेकिन ये क्लोरोफेनिकॉल्स आप आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज करते हैं। आई ड्रॉप लेंगे तो आई ड्रॉप जो मिलेगा उसमें क्लोरोफेनिकॉल मिलेगा, क्लोरोफेनिकॉल 0.5% इसका सॉल्यूशन क्लोरोफेनिकॉल का होगा, तो वो आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज किया जाता है। ब्लड सस्पेंट, ब्लड की जगह पर अगर हम कोई कंपाउंड यूज कर सकते हैं तो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आप यूज कर सकते हैं, और सर्जरी में एक्सेस ब्लड जो डिस्ट्रॉय होता है बह जाता है, इसके कारण हम यहाँ पर इस कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होता है, इसमें ब्लड को एक्सेस अमाउंट में यूज ना करना पड़े, इसलिए हम सर्जरी में यूज करते हैं फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स।